भाई। हेलो चप्पू। मैं जरा मेरे को, मैं चप्पू का भाई चप्पू। हाँ। इस सारा शहर जगमग जगमग क्यों नहीं कर रहा है? तूने चश्मे जो पहने हुए हैं। मैंने क्या बोला? हाँ। कि जगमग जगमग क्यों नहीं कर रहा है? मेरे को चेक करना था शो पे, ध्यान है कि कल पैसे छाप रही हो? मैंने ये नया धंधा शुरू किया है वेडिंग प्लानिंग का। हमारे यहाँ बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबकी शादी करवाई जाती है। बच्चों? अभी पिछले हफ्ते मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग कराई, पता है? हाँ। सारी अखबारों में आया। किसकी? कि ओफ, इस मेरा पल्लू गिर जाता है। शादी किसी बड़े आदमी की नहीं थी। हाँ। मैंने डेस्टिनेशन ऐसी जगह रखा, बारात पहुंच ही नहीं पाई। एक महीने से निकली हुई, पता नहीं कहां, पुलिस ढूंढ रही है अभी। खैर, परसों यहाँ पे एक डेस्टिनेशन वेडिंग है यहाँ पे। अच्छा। अभी तक पूरे इंतजाम भी नहीं हुए यार, दो ही दिन रह गए। हाँ। एक तो शादी ऊपर से आ गई, ऊपर से कार्टून देखने का टाइम हो गया। वाओ, मारिको, वाओ, हेलो, हाँ हाँ, मैं तो वेन्यू पे पहुंच गया हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। वाओ, आ जाइए। क्या आज मेरी बेटी की शादी है यहाँ पे? आप मारिको, आज यहाँ मेरी बेटी की शादी है और तैयारी तो कुछ हुई नहीं है। ओए चप्पू, ओए चप्पू, क्या? अच्छा बोला, कार्टून चल रहा है। क्या? आज मेरी बेटी की शादी है और तुम कार्टून देख रहे हो? तो कोई बात नहीं, जिस दिन कार्टून की शादी होगी तुम्हारी बेटी देख लूंगा उस दिन। तुम्हारी बेटी की शादी तो परसों थी। आज है मेरी बेटी की शादी, अभी थोड़ी देर में बारात आने वाली है। ऐसे कैसे, संडे को नहीं थी शादी? तो आज संडे ही है। एक मिनट, शादी तो 20 तारीख को थी। अबे आज 20 ही तारीख है। क्या जमाना आ गया, अभी कल ही 19 तारीख थी, आज 20 हो गई। हे भगवान, आजकल के दौर में कब 19 से 20 हो जाए पता नहीं चल रहा है। अरे कैसे वेडिंग प्लानर हो तुम, मैंने तो तुम्हें कार्ड भी भेजा था। मारिश, ओए मैं कार्ड वार्ड नहीं देखता, मैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी नहीं कभी देखा। वो तो मेरे बाप की चप्पल उड़ती हुई आती ना, मेरे को समझ में आता ओ इस साल भी फेल हो गए उस हिसाब से। अरे यार वो सब छोड़ो, अब कुछ ही समय में बारात यहाँ आने वाली है, तुम कुछ टीसी को सेट कर दो जल्दी भाई, अपने आदमी बुलाओ। ओए मेरा कोई आदमी नहीं है, मैं खुद किसी का आदमी बनने की सोच रहा हूँ, अपने आदमी भेज। अरे मेरा मतलब है काम करने वाले वर्कर्स को बुलाओ, दूल्हा दुल्हन अभी आते ही होंगे, अभी ये तो। ये क्या है? कुर्सी। दूल्हा और दुल्हन के लिए एक ही कुर्सी? एक कुर्सी दूसरी शादी पे गई हुई है। हाँ। तो हम एक काम करेंगे ना, दूल्हा दुल्हन को ऐसे म्यूजिकल चेयर खिलाएंगे, जो जीत गया उसके गले में मंगलसूत्र डाल देंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मंगलसूत्र तो हमेशा लड़की के गले में होता है। ओए नॉर्मल शादियों में होता है अंकल, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अभी बता, परसों मैंने एक शादी कराई, दूल्हे की एंट्री मैंने पैराशूट पे कराई, पता? हाँ? या क्या कह रहे हो? सच्ची में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पैराशूट खुला नहीं, दूल्हा खुल गया। आपको पता है उसको वापस असेंबल करने में 6 घंटे लगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसका कान ना इधर लग गया। अभी उसको आवाज हो ना, ए बात सुन, कहते बताओ बताओ बताओ, ये सब हो गया पता है। थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। अरे यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब सही करो वरना लड़के वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ नहीं होता, अंदर जाओ, दो पैग मार, उससे बेइज्जती फील नहीं होती। दो पैग मार गया, इधर हम नागिन डांस करेंगे। नागिन डांस? मैं लड़की का बाप हूँ, मैं नागिन डांस कैसे कर सकता हूँ? तो तेरी नागिन का फन खराब है। तो कैसा आदमी है ये? 21वीं सदी की लड़की का बाप है तू? अभी सोनम कपूर की शादी हुई, अनिल कपूर ने इतना नागिन डांस किया पता है, पंडित के मुंह से निकल गया, कहता कन्यादान का टाइम हो गया, नागिन को बुलाइए। इतना, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा नागिन डांस। अरे बारातियों को खाना कौन खिलाएगा, यहाँ तो वेटर वेटर भी नहीं दिख रहा। यार वेटर की टेंशन मतलब, आप सिर्फ दुआ करो कि खाने का इंतजाम हो जाए, वेटर तो हम ही सर्व कर लेंगे, उसमें क्या है। मतलब अब खाना नहीं बना? यार हमारा ना एक एनजीओ से टाई अप है। हाँ। वो लोग क्या दूसरी शादियों में जाते हैं, जो खाना पच जाता है ना वो इधर ले आएंगे। वो एनजीओ का तो हमारी शादी के साथ ही टाई अप था, खाना कोई बात नहीं, दूसरी एनजीओ से मंगाता हूं। अरे कमाल कर रहे हो तुम, दूसरी शादी में बचा हुआ खाना बारातियों को खिलाओगे? तो फिर क्या हुआ बचा हुआ बचा हुआ, उन्होंने किसी की बची हुई कुर्सी ले ली, उसमें क्या? अरे जितनी तुम बातें बना रहे हो उससे अच्छा तो थोड़ा खाना बना लेते। ए भगवान अब क्या होगा मेरा? घबरा मत, मेरा कुक आते होगा, कुक, हेलो कुक। तुम्हें भगवान का आवाज था, तुम सब ठीक कर दो, मेरी इज्जत का सवाल है। एक बात बता, सवाल हिंदी में है कि इंग्लिश में? अरे तुम की मजाक करना छोड़ो यार, काम पे ध्यान दो।
मैं तो कहता हूँ तुम काम करना छोड़ो, मजाक पे ध्यान दो. अगर मजाक अच्छा हो जाए ना, और काम करने की जरूरत नहीं है. चप्पू शर्मा, क्यों इतना शर्म जाया हुआ है? भाई साहब, मेरी बेटी की यहाँ शादी है. हाँ. उसका खाना बनाने का जिम्मा आप पे था. हाँ. क्या हुआ खाने वो का? तो मैंने पिछले हफ्ते बना दिया था. अब तो बस बारात ने आना, मैंने गर्म करके सर्व करना है. क्या बकवास कर रहे हो? एक हफ्ता पुराना खाना ये बारातियों को खिलाएगा? अरे कैसे होगा भाई ये? देखो, बारात को कितना भी अच्छा खाना खिला लो, जीजा और फूफा हमेशा नाराज ही रहते हैं. भाई साहब, इन्होंने जो करना था कर दिया. अब अच्छी तरह से खाना बना के मेरी इज्जत बचा लो प्लीज. खाना मतलब आपने क्या इधर बांध के घूमना है? इज्जत क्या बचा लो? आपको पता मैंने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया. डोंट वरी, आप टेंशन ले, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया बराती उंगलियां चाटते रह जाएंगे. ये इसकी बातों में मत आना, इसका खाना टेस्टी नहीं होता. पता है ये बनाता है इतना सा, फिर सबको बोलता है उंगली डुबो के चाटो. पता है उंगलियां चाट चाट के मेरी ये वाली उंगली छोटी रह गई. ये उंगली तो सबकी छोटी होती है. अम्मी जान कहां करती थी, कोई भी चीज छोटी नहीं होती. क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, शाहरुख खान की मम्मी ने कहा तब ठीक है, मेरी मम्मी ने कहा तो फालतू बातें. तेरे जैसे लोगों की वजह से ना हमारी मम्मियों के बच्चे शाहरुख खान नहीं बन पा रहे. अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया. बुकिंग करते समय इतने कितने बड़े बड़े वादे किए थे. मैं तू जो बकवास नहीं करनी मेरे साथ, मैं मुक्का मार के मुंह पे जो ताला लगाया मैंने तोड़ देना. क्यों? तूने खुद ही कहा था ये जंगल थीम चाहिए. मैंने जान पे खेल के दो सांप पकड़े जयमाला के लिए. और जयमाला जयमाला में हार के बदले सांप पहनेंगे तो क्या हाथी डालेंगे उसमें? मैंने कॉस्ट्यूम देखा है दुल्हन का, उस हिसाब से सांप मैच करेंगे. यार फॉरेस्ट थीम मतलब हरियाली, पेड़ पौधे, ताकि जंगल जैसा फील आएगा. ज्यादा जंगल की फीलिंग ना लो, नहीं तो बारात ने लोटा लेकर इधर ही बैठ जाना है. अरे भाई बारात आ रही होगी, देखो अगर चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसे बढ़ा के दूंगा, लेकिन मेरी इज्जत बचा लो, इसी में कुछ कर लो. देखिए आप फिक्र ना करें. हाँ. आपकी बेटी आप ही की बेटी, हमें क्या लेने देना, हमें पैसे से मतलब है. ये बारात आ गई लिए क्या? ये मेकअप वाली यहाँ क्या कर रही है? मेरी बेटी कहाँ है? वो अंदर सूख रही है. अंदर सूख रही है? हाँ, उसको सुल्तानी मिट्टी लगाई ना चेहरे पे. हाँ तो सूखने के लिए 2 घंटा लगता है उसमें. अबे सुल्तानी मिट्टी नहीं होती, मुल्तानी मिट्टी होती है. हमारे प्रोड्यूसर ने सुल्तान की है तो हम सुल्तानी मिट्टी ही लगाएंगे. और शुक्र है सलमान भाई ने गरम मसाला फिल्म ने की, नहीं तो लड़की ने गरम मसाला लगा बाहर आना था. रायचंद के फटेले कच्चे, चल अपने उधर जा ढाबे पर मक्खियां मार जाके चल. ओ मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, जुबान संभाल के सोच. जब मैं मुगलों के हाथी धो सकती है तो मुगलों के मेंढक का क्या हल करेगी, सोच. कुछ करो. ए स्टीम्ड मोमो, समझे ना तेरे को? टाइम लगेगा बोला ना, इधर टाइम लगेगा. अरे चंदू, तेरे तंदूर से कोयला लाके देना, मेरा कहना काजल खत्म हो गया है तो मेरे को गरम गरम कोयला चाहिए. ओए तू मेरी बेटी का कोयले से मेकअप कर रहे हो? अरे तो इतना भड़कता क्या? भड़क मत, कोई बात नहीं, ठंडे कोयले से कर देगी, टेंशन नहीं लेने का. इसका मतलब पहले गरम कोयले से करने वाली थी? अरे तो हर्बल रहता है, इन्फेक्शन नहीं होता यार उससे, इसीलिए बोली मैं. तू कोयला लाके दे मेरे को. कोयला नहीं है, डांबर है, वो दूं? अरे नहीं पगले, फेशियल थोड़ी करना है. ये भी ना कोयला डांबर, तुम दुल्हन सजा रहे हो कि अंदर सड़क बना रहे हो? ओए मेरे को डर लग रहा है, मैं लिक्विड योगा करने जा रहा हूँ. Thank you.
समधी साहब आई है, आई है। अरे वाह समधी जी आ गए, क्या बात है, सांता क्रूज का कादर खान देखो, मजा आ गया। वाओ बहुत मजा आया। आइए अभी हम रिबन कटिंग करेंगे, ये पकड़ो, आओ। अरे ये क्या, ये तो किसी की चोटी है। हाँ तो मैंने लड़की से रिबन मांगा था, उसने मना कर दिया, तो मैं सीधा चोटी काट के ले, मेरा ऐसा ही है, मैं ज्यादा हाथ नहीं जोड़ती है। अरे चल काट, जल्दी काट। अरे रुको भाई साहब, आपने कभी बताया नहीं कि आपके कोई मर्दुमा और एक बेटी भी है, अगर इसके लिए कोई लड़का देखना हो तो बताइएगा जरूर। हाँ झारखंड के झींगे यादव बकवास में, ये जो तेरा, ये तेरा बेटा है, ये वही कछुआ है ना जो रेस में थक के हार गया था। हाँ इसकी शादी करवा, फुटले यहाँ से, बड़ा है इधर यूं कर रहा है। वाह 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 वाह, आते ही जीजा और साली में नोक झोंक शुरू हो गई। वैसे वैसे किसी एंगल से साली लगती नहीं है। नहीं नहीं, हर एंगल से साली लगती है ये, इसके पार्लर से जितने भी कस्टमर बाहर आते हैं इसको साली साली कह के बाहर आते हैं। कन खजूरे का खजूर खाने वाले आदमी, ज्यादा बकवास की ना तेरे ढाबे का ढल तोड़ देगी, फिर सब बेबे बोलेंगे तेरे को, समझा? ओए मुंह देख अपना, सांप और नेवले की लड़ाई में थके हुए फीमेल नेवले। आप सांस लो, मैं खाना लेकर आता हूँ अभी। क्या भाई साहब, शादी वाले घर में तो हंसी मजाक होता ही रहता है। अरे सुनिए, ये पकड़िए, क्या है, कहीं ऐसा हंसी मजाक हमने शुरू कर दिया ना तो यहाँ पुलिस आ जाएगी, पुलिस। अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो जल्दी से रिबन काटो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी काट काट। बेटा रहने तो नहीं होगा तुमसे। हाँ ठीक है, छोटी नहीं काट पा रहे, क्या शादी करवा रहे इसकी। हो गया कटिंग, हो गया कटिंग। वाह हो गया शगुन। हाँ चलो 51 करोड़ रुपए निकालो। 51 करोड़ रुपए? 51 ज्यादा लगा तो रहने दो, करोड़ दे दो, सब लोग जानते हैं मेरे को 1 करोड़ ही लगता है इधर। बेटा सपना, हाँ? अब भारत को अंदर आने दो, आने दो ना मेरे को। ऐसे कैसे जान दो, ऐसे कैसे जान दो, अभी जूता छुपाई की रस्म तो हुई नहीं। हाँ। अरे एक मिनट, अरे वो तो बाद में होती है, बाद में जो स्वागत होती है, स्वागत तो सबके बाद होती है। हाँ तो ये डिपेंड करते हैं, देखो अगर तो लव मैरिज है तो फिर बाद में होती है, और अगर अरेंज मैरिज है तो बाद में होती है। ये क्या बात हुई, दोनों एक ही तो बात है। तो स्वागत में एक ही बात होती, वैरायटी ना ढूंढ जाता तू। ए पे पे, तुम लोग फालतू की बातें छोड़ो, जल्दी चप्पू चल, इसका जूते चुराई कर। चलो 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 आओ, चलो 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 शाबाश। अरे अरे बैठ, अरे मजा आ गया। ये क्या, ये जूता छुपाई की रस्म होती है, जूता छिनाई की नहीं, हमारे यहाँ यही होता है। पापा जी मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। वो भी रस्म होती है बेटा, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब, पर्स तो मेरा भी नहीं दिख रहा कहीं। कोई बात नहीं, यहाँ की वो रस्म होती है। पापा जी मेरी गोल्ड की चेन और डायमंड की रिंग भी गायब है। लगता है रस्म निभाने के लिए आपने सारे प्रोफेशनल चोरों को बुला के रखा है यहाँ। सुनो, अरे सुनो, जिस गाड़ी में बारात आई थी ना वो गाड़ी भी चोरी हो गई। चल ढूंढो, चल चल। अबे लगता है मुकेश के दोस्त लोग आ गए ले चप्पू, वो लोगों ने रस्म भी चालू कर दिए। ले मैं आती है थोड़ी देर में, ओके। ये नहीं नहीं देरी में रखो ना, बाय। आओ बेटा आओ, आओ यहाँ बैठो बेटा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, बिल्कुल संकोच नहीं करना, आओ बैठो। ये लकड़ी हटालो नहीं तो दिक्कत होगी होगी। नहीं नहीं अंकल जी, संकोच कैसा करना, कितना पैसा बचाया ना आपने। इससे ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट ना हमारे यहाँ पे क्रियाक्रम में हो जाता है, क्यों पापा जी? सुना सुना। ओए तू शर्म कर, शुक्र मना, तेरे टेडी बेयर जैसे बाप ने तेरी इतनी महंगी शादी कर दी, सामूहिक शादियां नहीं होती तेरे जैसे की। सुना सुना नौलख,
अरे तेरे जैसी औलाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है बाप को? सही सही कह रहे हैं भाई साहब, सही कह रहे हैं आप। आप तो कुछ बोलिए मत। आपने क्या किया अपनी औलाद के लिए? कुछ भी नहीं। खाने पीने का भी कोई इंतजाम है या वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा? सुना हाँ। सुना मेरे इधर कोई है ही नहीं। अरे लो आ गया जी, आ गया, सब आ गया जी। ये लीजिए स्टार्टर, स्टार्टर लीजिए, स्टार्टर एंजॉय कीजिए। ये क्या है? ये दाल तड़का। और स्टार्टर में ये सब कौन लेता है? तो दूल्हे में ये सब कौन लेता है? नहीं आप एक बात बताइए, अगर स्टार्टर में ये सब कुछ है तो फिर मेन कोर्स में क्या है? मेन कोर्स में है कंप्यूटर कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। देखिए आप दूल्हे की बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ? तो आप टेंशन ले ले, मैं आपकी भी कर देता हूँ। बदतमीजी मत करो, हम लड़के वाले हैं। हाँ। ज्यादा लड़के वाले नहीं करना इधर, नहीं तो कप्पू शर्मा को बोलकर अभी लड़की वाला बना दूंगा। हाँ। देखिए भाई साहब देखिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। भाई साहब नहीं भाई, थूकने की बात हुई थी तो फिर मैंने कहा। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि हमें यहाँ थोड़ी परमानेंटली रहना है। चलिए शुरू करते हैं शादी की रस्म जो करनी है, चलिए शुरू करते हैं। अरे ऐसे कैसे शुरू करते हैं, दुल्हन कहाँ है, दुल्हन को बुलाइए। हाँ, बेबी बाबू अरे मेरी बेटी कहाँ, ये कहाँ से आ गई? मैं अपने माँ बाप की प्लानिंग से। तू क्या बिना प्लानिंग से आया था क्या सफेद हाथी? नहीं नहीं हमारा मतलब है कि हमारी बीवी कहाँ है? वो धोखे में, तेरे से शादी जो हो रही कनकजूरे कहेंगे। सबर करो आ जाएगी वो। और शुक्र करो तुम्हारी शादी हो रही है, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग तो स्क्रैच एंड बर्न में चूरन तक नहीं निकलते। अरे बकवास बंद करो, दुल्हन कहाँ है, दुल्हन को बुलाए। अरे सूख रही है वो, बोला देने में नहीं। सूख रही है, शादी का माहौल है, थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए। चलो अभी कार्यक्रम पेश करेगी सपना, सपना 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 सपना। वाह भाई वाह, एक लड़की होकर तुमने लड़कों वाले स्टेप्स किए, वाह मजा आ गया। अरे मजा बाद में ले लेना, पहले दुल्हन को बुलाओ। पापा पापा लड़की। हाँ हाँ अरे ऐसे मत कर, भाग जाएगी वो। ये सपना, ये क्या कुत्तों की तरह रोके अपशकुन क्यों कर रही है? अरे ऐसे वैसों की शादी हो सी चप्पू, मेरी शादी कब होगी? अरे रुको रुको, चलो चलो आओ बेटा जल्दी से फेरे ले लो, चलो रुक जाओ। फेरों से पहले लेन देन की बात हो जाए। मुझे पता था मेरी खातिरदारी से खुश होकर आप मुझे टिप जरूर देंगे। ए, उल्टा सोने वाले चिमगादड़, वो तेरे को टिप नहीं दे रहे, मेरे को शगुन देंगे क्योंकि हीरोइन को मैंने तैयार किया है कि नहीं। वाह, और जिसने इतना बड़ा मुर्गा फंसाया उसको कुछ नहीं? हाँ मुर्गा मुर्गा मतलब इतना बड़ा अरेंजमेंट किया उसको कुछ नहीं? मेरे को ये दे दो, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। मैं तेरे पे इल्जाम लगा देना, मेरे को नहीं छेड़ना। समझी जी, पहले वो दो जिसकी बात हुई थी कार। देखिए भाई साहब, मेरे पास जो भी था मैंने इस शादी में खर्च कर दिया है, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कार की बात करते, मैं इसको लानत ना दूं। और अगर मेरी शादी में कोई कार मांगता ना, मैं उसका साइलेंसर फाड़ देती, बता रही है मैं। समझा बात कर रहे नहीं। देखो ऐसा है कि हमें कार चाहिए, मतलब कार चाहिए। हाँ। वारे टेम्पो लाल, एक आदमी तुझे अपनी जिगर का टुकड़ा दे रहा है और तुझे कार चाहिए? अरे क्या कार चाहिए क्या, हमने भी तो खर्चा किया है, पढ़ाया लिखाया है, लड़के को लायक बनाया है। वो भाई साहब बेटियां होती हैं लायक, जो दूसरों के घर में जाकर एडजस्ट कर लेती है, ऐसे अजीब गरीब मुंह वालों के साथ एडजस्ट कर लेती है, लड़के तो होते ही नालायक है। अरे सुनो, ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी ही माँ के गहने चोरी करके भाग जाते हैं। एक मेरे को शक्ल से चोर लग रहा है। अरे एक मिनट, हम यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ कार लेने मतलब कार चाहिए, मतलब कार चाहिए। इसको कार चाहिए ना? हाँ, इसको कार देंगे, बल्कि कार के नीचे देंगे। ले गया मेरी कार, मोटे कहीं गए, बोले अंदर जाओ। तेरे को कार चाहिए, तेरे को कार चाहिए, तेरे को कार चाहिए, तेरे को कार चाहिए। पकड़ इसको, पकड़ तेरे को कार चाहिए।
मैं बहुत खुश हूं। क्यों? और मेरी खुशी की वजह जो है वो इंसान है जो हमारी जनरेशन के एंटरटेनर नंबर वन है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। ये जहां भी जाते हैं अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीत लेते हैं और जिनकी बॉडी के पुर्जे पुर्जे में रिदम नजर आती है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके चहेते वर्सटाइल एक्टर वन एंड ओनली मिस्टर गोविंदा। सर सबसे पहले तो जो आपने अपनी बा कमाल अदाकारी से इतने सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लव यू सो मच। लव यू थैंक यू सो मच। गोविंदा सर जब डांस करते हैं तो इनका चेहरा इनकी आंखें हाथ पैर कमर पूरा एक एक चीज नाचती है। yeah. इनकी आंखें भी नाचती हैं तो मतलब क्या बात है। तो सर आपको खुद को पहली बार कब रियलाइज हुआ था कि आपके अंदर इतना खतरनाक डांसर छुपा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें डांस करवा देती हैं जैसे कि गरीबी। हाँ कहाँ कहाँ से आदमी तकलीफ से कैसे बाहर निकलूं। फिर एक और है जी जो बहुत कमाल का डांस करवाती है जी वो है लोकल ट्रेन। अच्छा जी। और मुझे लगता है कि ये जो ये जर्नी रही है ये पूरी ऊपर वाला तय करता है। ये आपके किसी के हाथ में नहीं है लाइफ के अंदर। तो ऊपर वाले ने ये लगता है कि ये तय किया हुआ था। मैं बहुत मेहनत किया करता था मेहनत करके क्योंकि मैं डांसर था नहीं जिस वक्त मैं आया फिल्म लाइन में। अच्छा जी। तो मैंने बेस्ट डांसर्स देखे थे क्योंकि मम्मी क्लासिकल वोकलिस्ट थी और शास्त्रीय संगीत गायिका रही। तो उनकी वजह से मैं आदरणीय सितारा देवी जी बिरजू महाराज हो लच्छू महाराज हो ये सब महान जो एक से एक हुआ करते थे हैं उसमें। ये तो मतलब के ऐसे डांसर्स थे कि वो तो तब के ना भूतों ना भविष्य थे टाइप। मेरे मामा जी ने मुझे बोले एक गाना दिखा लो गए फिल्म का एक गाना दिखाओ हम कह देंगे तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा। तो मैं कहा कि ठीक है। तो डांस देखा तो गए तैयारी है तैयारी बहुत मेहनत करते हो तुम बहुत बहुत ईमानदार आदमी हो। ये ईमानदारी से ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तुमको समझाते हैं। फिर आए थोड़ा क्लीन विन करके और कहते हैं तबले का बोल समझा रहे हैं गोविंद इसी में सब समझ लो। अभी जो तैयारी में तुम नाच रहे हो ये ऐसा था कि धा घेना तिर तट घेना घेना तिर धागे तिर घेना घेना तिर धा तिर धुम तिर नाच धा तिर धन करदान धा धा करदान धा धा करदान धा धा। ये बोले अब यही जो है इसे ऐसे करो जैसे मैं समझा रहा हूँ धा घेना तिर तिर घेना घेना तिर धागे तिर तिर घेना घेना तिर धा तिर धुम तिर नाच तिर धा तिर धन करदान धा धा करदान धा धा करदान धा धा। तो बोल वही है तबला वही है लोग ऐसे बहुत सारे हैं पर जो बिना बोले बात करेगा वो गोविंदा का स्टाइल कहलाएगा। क्या बात है। सर ऐसा सुनने में आया कि आपने शादी जो है वो दो बार की है। तो पहली बार सुनीता मैम से और 25 साल बाद फिर सुनीता मैम से। तो ये आपने शादी लीज पे की थी लीज खत्म हो रही थी 25 साल बाद। नहीं मतलब प्लॉट के ऊपर आपका ऑलरेडी कब्जा हो जाए तो रजिस्ट्रेशन पे दोबारा खर्चा क्यों करना सर। तो ये कैसे सर मतलब। ये मैं जो जिंदगी में मेरा फैसला कभी मेरा नहीं रहा। अच्छा जी। जो मम्मी कह दिया करती थी मैं वो कर दिया करता था। अच्छा जी। तो मम्मी कहें कि गोविंद मैं चाह रही हूँ कि तुम 49 की एज में तुम शादी कर पाओगे उससे पहले तुम गंधर्व विवाह में रहोगे। मैं कहा ये गंधर्व विवाह क्या होता है। तो मम्मी कहा कि बुजुर्ग होंगे साथ में और ब्राह्मण होंगे और साथ में घर परिवार के वो जो वृद्ध होते हैं वो साथ हुआ करते हैं जो आपके विवाह के लिए आपके समक्ष। तो मैंने सोचा कि जो मम्मी कह रही है वो करूं। फिर मम्मी कही कि 49 की एज में तुम पूर्ण विधि के साथ
फिर विवाह करो और वो विवाह जो है वो मैं कहूँगी कि गोविंद का ये विवाह हुआ, तो वो वैसे ही अलाउड था, तो वो मम्मी के वजह से वैसा हुआ, ये मेरी सोच नहीं थी, मम्मी का आशीर्वाद था वो वैसे। चलिए जब शादी का जिक्र आया है तो अब यहाँ उन्हें इनवाइट करते हैं जो गोविंदा सर के दिल पे राज करती हैं। प्लीज वेलकम गोविंदा सर की बेटर हाफ मिसेस सुनीता आहूजा। सुनीता मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कितना अच्छा लगता है, मतलब गोविंदा सर आप और मैम नाच रहे थे तो कितने प्यारे लग रहे थे। अक्सर क्या होता है जब आदमी का दिल करता है कभी कभी पार्टी में नाचने को तो अपनी बीवी को बुलाए ना कि आप डांस करें, तो आता ही नहीं होता कहीं को, तो मैंने आप प्लीज, अरे आप इनकी इनके लिए इनकी बीवी ले लो आप इनकी। तो ये देखो इनका मतलब दोनों ही इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना कमाल, इतने प्यारे लगते हैं सर, गॉड ब्लेस यू। श्रीता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, गोविंदा सर आइए, आप भी। श्रीता मैम आपके आने से पहले मैं गोविंदा सर से पूछ रहा था वो दो बार शादी वाला सीन, 25 साल बाद दोबारा आपसे शादी की, तीसरी बार भी करने का इरादा है? नहीं अभी नहीं, सोच रहे तेरे शो में कर ले। अच्छा आप लग भी नहीं आज दुल्हन और दूल्हा लग भी रहे हैं, ये सिंदूर है, सिंदूर मंगवा लेते हैं, बजट है ना। अरे तो देखो आप हुक्म करो, ये देखिए माया और हाजिर यो सर तीसरी बार तालियां बजाने वाले हैं। अरे अर्चना जी इतना नहीं है क्या, चेक नहीं मिला आपको? सारे पैसे ये ले जा लेता है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। सुनीता मैम हाँ जी, गोविंदा सर करोड़ों दिलों में बसते हैं, लाखों करोड़ों लड़कियां चाहती होंगी कि गोविंदा सर से शादी हो जाए, शादी के पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप वो लकी लेडी हैं जिनसे दो बार शादी हुई और आज तीसरी बार। आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। दिल डार्लिंग हो गया। मैम आप इतने साल से साथ में हैं, कोई एक आदत ऐसी है जो आप गोविंदा सर की बदलना चाहती थी लेकिन आज तक बदल नहीं पाई? नहीं ऐसी तो कोई आदत अभी तक साल में देखी नहीं। अच्छा। सिर्फ एक ही था कि कुछ दो चार अफेयर और कर लेते तो मजा आता यार। मैं चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी भी ये बात सुने। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज 25 साल बाद आप ऐसा बोल रही हैं, 30 साल जितने भी शादी 35 years, wow, 35 years। थैंक यू। पर ये बात आज आप बोल रही हैं कि चलो दो चार अफेयर हो जाते, पहले नई नई शादी हुई तब थोड़ी ना आदमी ऐसा सोचता है। नहीं मैं तो कभी नहीं जलती थी, पता है घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। आएगा कहाँ? अच्छा गोविंदा सर के डायलॉग जो होते हैं बड़े लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं क्योंकि इनका बड़ा यूनिक स्टाइल है और कभी कभी इस टेम्पो में बोल जाते हैं कि सुन के मजा आ जाता है लेकिन हम नहीं बोल पाते। तो मैं हमारे दर्शकों में से जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो गोविंदा सर के डायलॉग बड़ा अच्छे से बोल पाते हैं, तो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, कौन कौन है हमारे दोस्त? क्या हाल है ब्रदर? हेलो सर। हेलो। हाय। हेलो मैम। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो हेलो। हां सर दोस्त, मैं गोविंदा जी से एक डायलॉग बोलना चाहता हूं। अच्छा। अरे वाह जी। हटा सावन हटा बत्ती जाए। हटा सावन का खर्चा, सावन का खर्चा क्या होता है? पैसे देके बारिश करवाते हैं। दोबारा एक बार फिर हटा सावन हटा बत्ती बुझा इंटू टे पिंटू को ले बाहर कर दिए, बत्ती बुझा के पिंटू को अंदर ले। क्या बोले? ओके लास्ट ट्राई, आंखें बंद करके बोलो, आप सोचो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है? अब अभी ट्राई करो। हटा सावन हटा अब सेम। तो गोविंदा सर खुश हो रहे हैं तो इतनी देर तो डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। अनिल रावल गुजरात से आया। अनिल रावल अच्छा से है? है? गुजरात गुजरात से आए। तू डायलॉग ले गया यार प्लीज। अनिल क्या करते हो आप?
सिविल इंजीनियर पूरी कर दी है। कर दी पूरी? हाँ। तो अभी क्या करना है फिर? इंजीनियर बनना है? नहीं सर, गोविंदा सर अच्छे डांसर है, मैं उनका जैसा बनना चाहता हूँ, डांसर। उनके जैसे डांसर बनना है? डांस का शौक है आपको? हाँ। करते हैं डांस? हाँ। आप खड़े-खड़े एक स्टेप करके दिखाओ गोविंदा सर का। जो हाथों वो करके दिखाओ जरा। ध्यान से तुम्हारी कोहनी ना चुभ जाए लड़की को। बड़ा तीखी कुत्ती। पर जो भी है अनिल, आपने ब्लाउज बड़ा अच्छा पहना है। ये स्टाइल, सॉरी ब्लाउज कह रहा हूँ, टी-शर्ट। थैंक यू अनिल, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो एवरीवन। हेलो जी। गोविंदा जी, एक्चुअली मैं आपके सारे टैलेंट्स की तो फैन हूँ ही, बट आपके वाइब्रेंट ड्रेसिंग सेंस की बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आई आल्सो हैव ट्राइड टू मेड एन एफर्ट, आई होप यू लाइक इट। अच्छी लग रही है आप पे ये ड्रेस। हां बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। अबे हटा सावन की घटा। हाँ जी। पति को नहीं बोलना, डायलॉग बोल। अबे हटा सावन की घटा, था खुजा बत्ती बुझा के सो जा, इंटुकले पिंटुकले मंडी खड़ी है आंटी, बजा रेली है घंटी, कुल्ला बजा के पश्चिम में पलट ले। वेरी गुड, इम्प्रोवाइज किया आपने। सो सॉरी। पश्चिम में पलट ले। अच्छा था आपका स्टाइल, डिफरेंट था। ओके थैंक यू। कहाँ से हैं मैम आप? मैं गोरेगांव से ही हूँ, मुंबई। अकेली हैं आप यहाँ पे? नहीं, मेरे कजिन्स आए हैं वहाँ पे। कहाँ हैं कजिन्स? हेलो कजिन, सारे आपके कजिन्स हैं? सारे मेरे कजिन्स हैं। ये मुंबई में ट्रैफिक आप ही की वजह से बढ़ा हुआ है मुझे लगता है। इतने कजिन्स। शुक्रिया, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सर मेरा जो डायलॉग है वो मुझे वहाँ पर आकर बोलना है। वहाँ पे आके बोलना है? इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। गोविंदा जी की हेल्प चाहिए। गोविंदा सर की हेल्प चाहिए, आइए प्लीज आइए। ओह वो आपका हेल्प चाहिए। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आप? कपिल। मेरा नाम निमिषा है, मैं नवी मुंबई से, वाशी से आई हूँ। सर वो आपकी फिल्म है ना हद कर दी आपने, उसका वो डायलॉग है ना, डिंग 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 डिंग, वो मुझे बहुत पसंद है। पीछे से फोन आना कर दे कहीं, टिंग टिंग टिंग, देखो देख घूर रही है आपको। अच्छा तो कह दिया ये उनको, कर दिए एक बार, डिंग 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 डिंग। थैंक यू सर। हेलो, ये डायलॉग नहीं है, डिंग 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 करने आई थी स्टेज ये डिंग डिंग क्या होता है? दिल कभी कभी खुजली हो रही है ना, खुद खुजा के मजा नहीं आता, तो दूसरा खुजाए ना, मुझे लगता है ऐसे करवाने आई थी। एक भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था इन्होंने। हेलो अबा या जी। हेलो क्या हाल है? मैं सबको हाय बोलना चाहता हूँ। सबको हाय बोलना चाहते हैं? हाय हाय। सर मेरा नाम विमल कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक छोटा सा सर का डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी। अबे कितना नचा रहा है बे। अबे कितना नचा रहा है, हमको मुगला आ जाओ, अपने आप को अनार कली समझाए का बे। हाँ बे कितना नचा रहा है वाह। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का डायलॉग था ये। अगर समय हो तो सर एक एक्टिंग करना चाहता हूँ, गोविंदा सर को दिखाना। समय है हमारे पास, 2-3 साल है, आइए। जी विमल जी, सर सर की पिक्चर का डायलॉग है। विमल जी वो आपका अंडरवेयर बाहर आ रहा है पॉकेट। अच्छा सॉरी, रुमाल सॉरी। हाँ जी अच्छा, गिलास चाहिए है? शराब तो नहीं पीने लगे? मुझे जहर पीना है, मुझे जहर पीना है, आ जाओ। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये कौन सा पिक्चर में था आपके? ये तो राजेश खन्ना का था। ये कौन सी फिल्म में था? स्वर्ग, स्वर्ग ही सही, स्वर्ग, बट उधर राजेश खन्ना का डायलॉग। अच्छा स्वर्ग। कपिल
थैंक यू। आपकी एक्टिंग देख के सर को भूख लग गई। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सर। अच्छा अच्छा। कि सर ये जो डांस है और ये जो डांस है सर, इसका मतलब कनेक्शन कहाँ से होता बॉडी में हमारे? आजकल मैं देख रहा हूँ डांस, ये सब क्या है? पहले के जमाने में सर आप थे, पहले के जमाने के बाबर के जमाने के हो? पहले का जमाना मेरा कहने का मतलब सर, जैसे राजेंद्र साहब का एक जमाना था, उनका जमाना गया तो सर ने ले लिया, गोविंदा सर ने, अजय देवगन, बाकी लोग सब ले लिए, तो अभी अभी आप लोगों का समय जा रहा है सर। कहा बताए, जिस तमीज से आप हमारी बेइज्जती किए हो ना इधर। हमारे पास अल्फाज नहीं है अभी, इसको एकदम बोलती बंद कर दिया। हाँ कहा बताए, बहुत तारीफ कर दिए भाई तुमको। हम वो डांस का तुम जो एड्रेस मांग रहे हो ना, कहाँ से आता है कनेक्शन? समझ लो वो निकलता है। आइए इधर आइए। वो आज बच्चे बड़े आए हैं, स्कूल के आए हैं, क्या हाल है? कहाँ से आए हैं आप सब लोग? हिमाचल। हिमाचल कहाँ? हिमाचल में कहाँ से? पालमपुर से। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पालमपुर। पालमपुर अच्छा। आज गोविंदा सर और सुनीता मैम यहाँ हैं तो उसकी एक बहुत ही खास वजह है। हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें सुपरहिट गाने मिलो ना तुम तो हम घबराएं को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया गया है और उस गाने में इनकी बेटी टीना जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो अब मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूंगा इस सुपरहिट गाने को रिक्रिएट करने वाले लिरिसिस्ट कंपोजर एंड सिंगर गजेंद्र वर्मा और साथ में बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड टीना आहूजा को। गजेंद्र प्लीज। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है टीना आपका, गजेंद्र सर आपका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। टीना बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके एल्बम के लिए और बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना है मैंने सुना है। थैंक यू। तो गजेंद्र सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हरियाणा से हैं? हाँ जी। हरियाणा से ज्यादातर स्पोर्ट्समैन बड़े आते हैं, एथलीट्स आते हैं, रेसलर्स आते हैं, आप इस फील्ड में कैसे आ गए सर? एक्चुअली मेरे डैड जो है वो सिंगर थे और राइटर थे, तो अच्छा जी वो वही घर में सारी सबकी तालीम वैसे ही है। ओके। तीन भाई बहन और है मेरे, वो भी गाते हैं। अच्छा जी। तो घर में म्यूजिक बहुत है तो बचपन से ही म्यूजिक ही किया है। टीना आपको खूबसूरती, डांस, यू नो ये सब चीजें विरासत में मिली हैं, इतना टैलेंट, तो आप एक बार बताइए ये जो इतने गुणी खानदान में पैदा होने का, हाँ जी, आपको फायदा होता है ज्यादा कि आपके पर प्रेशर ज्यादा रहता है? नहीं फायदा ही होता है, बिकॉज जहाँ पार्टी में जाओ सब तारीफ करते हैं, बॉयज आर अराउंड यू, सो फायदा ही है, प्रेशर क्यों लूं, आई एम एंजॉयिंग इट। बड़ी अच्छी बात है ये तो। और ये जो गाना था मिलो ना तुम तो हम घबराएं, ये कैसे बना सर, कुछ बताइए कैसे आप और टीना कैसे साथ में आए? शुड आई प्लीज? सो बेसिकली बहुत सिंपल सा एक डे था, एज यूजुअल मैं जिम से आई थी, मैं बैठी थी घर पे कॉफी पी रही थी, कट्टू मुझे डैड का कॉल आया एंड ही सेड कि मैं दो गाने सेंड कर रहा हूँ तुमको, तुम उनको सुन लो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। सो मैंने दोनों गाने सुने और मुझे दोनों ही अच्छे लगे, तो ही सेड ठीक है तुम आ जाओ, ये एक डायरेक्टर है अमन, ही सिटिंग हियर, ही सेड दैट ही वांट्स टू कास्ट यू इन द सॉन्ग। And then I met Aman and I was like, yes, definitely, I would love to work with him. And coincidentally, jo is gaane ke producer the, Hiten, wo bhi mere friend and we worked together. He's also here and he's very shy. Hi, Hiten. So it just happened that all of us were friends and it just kind of happened to us. Ye bahut hi khoobsurat number hai. Thank you. Bahut mubarak aap. Acha, Gajendar ke bare mein main aapko sabko batau. Isse pehle jo gaana aaya tha, aap sabne suna hoga. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ये गाना। मतलब 450 मिलियन या शायद उससे भी ज्यादा। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। थैंक यू। थैंक यू। इन्हें कुछ सवाल हैं जो सर और मैम के बारे में हैं। हाँ जी। तो ये जनता जनार्दन ने मुझे ड्यूटी सौंप दी है कि आप पूछना टीना से, क्योंकि टीना ही है, आप बेटी हैं उनकी, तो
तो आप जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी जी। और ये आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? मामा रुकी भी नहीं, फट से मारी। ये कमाल है यार, एक सेकंड सोचा भी नहीं मामा। नो पा। अच्छा अपनी लुक्स को लेके दोनों में से ज्यादा कौन कॉन्शियस रहता है? अरे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आज मुझे ऐसा लगना है, ऐसे कौन ध्यान रखता है? मैडम के सर सर आप कुछ और इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और इशारा कर रही है। इट्स डैड। नो डैड। अच्छा दोनों में कौन आपको लेके ज्यादा पोजेसिव है? आपको क्या लगता है? मम्मी पापा दोनों ही वैसे तो होने चाहिए, होते भी हैं पर नहीं पोजेसिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है थोड़े से, बट दे नॉट पोजेसिव, दे नॉट लाइक व्हाई लाफिंग पापा ऐसे ही तो सुंदर लग रही है। बट जैसे ही अगर मैं बाहर हूँ, जैसे ही 10:30-11 बजता है मम्मा का मुझे कॉल आता ही है, अच्छा कहाँ हो? और अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो ड्राइवर एवरीवन लाइक शी नोज होम टू कांटेक्ट, तो यस शी कीप्स अ आई ऑन एवरीथिंग कि क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, काम है भाई। हाँ, या, बहुत अच्छा काम होता है यार। सुनीता बहन जी नमस्ते। मेरा टीनू, मेरा गजेंद्र कैसे? मैंने नहीं आप लोगों से बात करनी, मैं नाराज हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? वो तो हुआ क्या, एक दिन मैं रास्ते पे जा रही थी, बेलपूरी खा ली थी, मुझे मिर्ची लगी तो आगे से कहते मैं क्या करूँ। ये नहीं कि बंदा बाल्टी भर के पानी पिला दे और ऊपर से मुझे चिढ़ा के भी गए करते। मैं टीना तेरे से भी नाराज हूँ, मैंने नहीं बात करनी। क्यों, मैंने क्या किया? इसने कौन सा पानी पिला दिया, ये भी पापा का डांस एंजॉय कर रही थी। आया नहीं शहनशाह बैठा आया। लेकिन सुनीता बहन जी हरीश, आपने भी मेरे साथ सही नहीं किया, मैंने आपसे भी बात नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? पानी नहीं पिलाया? नहीं नहीं पानी नहीं, इन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ। क्या? इन्होंने इनसे शादी कर ली। आपको पता नहीं मैं इनकी कितनी दीवानी हूँ। मेरा गज्जू। मेरा पुत्र बहुत प्यारा पुत्र। मैं गजेंद्र वैसे मैं तुमसे भी नाराज हूँ, मैंने नहीं बात करनी है, मुझे बात याद नहीं आ रही कि कौन सी बात से नाराज हूँ। मेरे को बात जैसे याद आ गई ना मैंने ऐसे गुस्सा कर लेना। पुत्र मैंने तेरा गाना देखा था, बड़ा चलाक लड़का, घाटा घाटा करके लाखों कमा लिए। मैंने ये वाला गाना भी देखा तुम लोग का। हाँ क्या लड़कियां नाच रही ऐसे ऐसे करके, पुआ भूल गए? पुआ को बुला लेते, दो बोलियां पुआ भी गा देती। बोलियां गा देती, लेडी संगीत थोड़ी हो रहा था, कहीं पे भी बोलियां डालने पहुंच जाती है। ऐसे ना बात किया कर कप्पू, दिल्ली में जाके कमों के बारे में पूछ, पैदा होते ही बोली गा दी थी मैंने। मैं बताऊं भाई साहब, आप सुनना जरा है। बारी बरसी कट गया सी, कट के लिया अंदा पर्स। बारी बरसी कट गया सी, कट के लिया अंदा पर्स। जिसने मुझे निकाला है कहाँ है वो डॉक्टर? बुआ राइमिंग के हिसाब से पर्स और फिर नर्स आना चाहिए था, डॉक्टर कहाँ से आ गया? उस दिन नर्स आई नहीं थी ना, छुट्टी कर ली, मेरी बोली भी खराब कर दी। बुआ ये सब फालतू बातें करने आई यहाँ पे? ना ना मैं तो अपने पहले प्यार को मिलने आई हूँ गजेंद्र। नहीं नहीं मैं कह रही हूँ गजेंद्र कैसे हैं गोविंदा जी? बहुत बहुत स्मार्ट। तो गोविंदा सर कहाँ से तुम्हारा पहला प्यार हो गए? हो पूरी इंडस्ट्री जानती है कि इनका और मेरा बहुत लंबा चलता रहा है। क्या चक्कर और क्या हुआ? तू सुनीता जी के सामने फ्लर्ट कर रही है ना, उन्होंने उंगलियां डाल के ना मलिंगा वाला हेयर स्टाइल उठा रखा है। कमो हमेशा ही फंस जाती, क्या करूँ क्या मैं? है पीठ पीछे ये मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करते, सामने वो नहीं करने देती, करे क्या? मैं तो कहती हूँ गोविंदा जी किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें, कहीं घूम के आए तू के लिए लगेगा हमें आना साथ। ये बातें अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता लग गई फूफा को तो मैं भी उनको वही जवाब दे दूंगी जो इन्होंने मुझे दिया था। क्या? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या? क्या बताऊं गोविंदा जी के साथ तो मेरा बहुत पुराना लगाव है। बुआ तू ठहरी दिल्ली से, वो बॉम्बे से। ओ तो उनकी दिल्ली में एक दिन शूटिंग थी। हाँ। ये शूटिंग कर रहे थे, मैं खड़ी थी,
इन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे कहते व्हाट इज मोबाइल नंबर करू क्या टाइम अर्चना भाई साहब मेरा हंसा ही निकल गया मैंने कह दिया मैं क्या हमारे घर लैंडलाइन नहीं है तो मोबाइल कहाँ से होगा बस तीना पुत्र कुछ छोटे से मोबाइल के कारण हम दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई चिट्ठी लिख देती चिट्ठी लिखी थी पुत्र कबूतर के पैर पे बांध के वो जा गया शक्ति कपूर की छत पे खराब हो गया काम अब जब भी शक्ति कपूर मुझे देखते कहते आओ आओ मैं कैसे जाऊं है लेकिन एक बात कहूं मैं बड़ी खुश हूं अर्चना जी के हीरो नंबर वन को बीवी नंबर वन मिल गई वैसे थैंक यू सुनीता बहन जी आप तो रोज ही इनके साथ रहती हो मैं तो दिल्ली में देखा था अब देख रही हूँ आपको रहना आज नहीं मैंने हाँ कर दी ना नेशनल टीवी पे आप फंस जाओगी नहीं नहीं अरे मैं तो ढूंढ रही हूँ कि कोई ले जाए नहीं सुनो सुनो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मेरे को सिर्फ एक मिनट लगेंगे मेरे को ना इनसे कुछ पूछना है ले जाइए आज मैं ना आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ वैसे ना गोविंदा जी ने डांस किया लेकिन तालियां उनके लिए नहीं सुनीता बहन जी के लिए तालियां पूछो क्यों क्यों क्योंकि आजकल के जमाने में एक मिनट के लिए कोई रुमाल नहीं देता इन्होंने पति दे दिया मुझे थैंक यू बहन जी और गजेंद्र पुत्र हाँ जी बुआ के घर पहली बार आया ना नहीं करनी खाली हाथ नहीं भेजूंगी मैं हाँ जी मना नहीं करना ना नहीं बोलना नहीं ना नहीं करनी ठीक है जी पुत्र थोड़े कपड़े तय लगा दे फटाफट फटाफट कर दे वो तेरे कपड़े तय लगाने हैं इधर पुत्र जिस भी सिंगर ने कम बुआ के कपड़े तय लगाए ना गाना ट्रेंडिंग पे गया है वो बादशाह हर चौथे दिन फोन करता था कम बुआ थोड़े कपड़े तय करने भेज दे गाना देखो कैसे ट्रेंडिंग पे है गजेंद्र जी मेरे को ना जाते हुए पिकअप कर लेना टीना पुत याद दिला दी कि बुआ को पिकअप करना है गोविंदा जी टीना को याद दिला देना सुनीता बहन जी आप उनको याद दिला देना ठीक है मैं तब तक अंदर जाके सारे मैले कपड़े इकट्ठे कर लेती क्योंकि आपके घर मशीन है ना हाँ जी अपन डिनर करेंगे दोनों बच्चे कपड़े धो देंगे चल पुत्र मेरे को पिकअप जरूर करना है गोविंदा जी पिकअप कर लेना बाय कप्पू बाय बुआ मैम कुछ अफवाहें हैं जो अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं तो आप सब यहाँ मौजूद हैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ सर एक अफवाह ये है कि फिल्मों में आने से पहले आपने 6 बार अपना नाम बदला था इज इट ट्रू सर 6 बार गिना नहीं मैं कितनी टाइम तो नाम काफी चेंज किया मैंने अच्छा जी गोविंद राज गोविंद 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 से निकला गोविंदा हो गया वाह और जहां से गोविंदा हुआ वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा वाह क्या बात है सुनीता मैम आपके बारे में ये सुना है कि जिस दिन आपकी गोविंदा सर से थोड़ी अनबन हो जाती है आप बाजार जाके इनके क्रेडिट कार्ड से तब तब शॉपिंग करती हैं जब तक ये सॉरी नहीं बोल देते अरे 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 इनके पास एक क्रेडिट कार्ड रहता भी नहीं है सारे मैं अपने पास ही रखती ये चर्चा करते हैं ना ये नौकर लोग समटाइम्स कभी डिस्कस कर रहे होते हैं मैं उन्हें सुन लेता हूँ कि क्या कह रहे हैं उन्हें अच्छा अरे मेम साहब से जाके पूछो मेम साहब कहेंगे मेम साहब करेंगे मेम साहब करें मेम साहब वो कहते हैं तो कर हो जाएगा मेम साहब कहते हैं साहब का क्या है ये क्या है साहब बेचारा गरीब आदमी है यार तू क्या है खाना खाता है बेचारा सो जाता है ओके गजेंद्र आपके बारे में एक अफवाह है अच्छा कि आपको हर हफ्ते किसी नई लड़की से प्यार हो जाता है इसलिए आप रोमांटिक गाने बनाते हो नहीं बिल्कुल ट्रू नहीं है अच्छा आप चाहते हैं कि ये ट्रू हो फंसने का दिल करता है आपका हाँ अच्छा बिल्कुल वो उसमें एक बात है मैं तो कहता हूँ दुनिया में ना साफ बंदा है ही वो ही जिसको मौका नहीं मिलता ओके गोविंदा सर एक अफवाह ये है कि मुझे हंस रहा है पढ़ के कि फिल्म राजा बाबू में जो धारी वाला कच्चा था नंदू ने पहना था वो कच्चा आपका था मुझे क्या देख रहे हैं आप कच्चे तुम जो हर सूरत में अच्छे लगते हैं जाए जिसकी वो मैं पहन लेता हूँ
टीना, आपके बारे में एक अफवाह है कि एक बार आपको आपकी टीचर ने कहा था कि अपने पापा से अकेले में मिलवा दो, बहुत अच्छे नंबर दूंगी, और उस साल आपके काफी अच्छे नंबर आए थे। बिल्कुल नहीं। पर ऐसे बोलती तो होंगी आपकी टीचर ना कभी कभी, अरे कभी गोविंदा जी से मिलवा दो, ऐसे बोला था कभी? हाँ हाँ, बहुत बार हुआ है, पूरा फायदा उठा। अच्छा सुनीता मैम, एक अफवाह है कि आपको तब तक नींद नहीं आती जब तक गोविंदा सर आपको लोरी गा के नहीं सुनाते। अरे बाप रे। अरे मैं तो सो जाती हूँ 10:30 बजे, तो सोते 2:30 बजे लोरी गा के। ओह गॉड, लोरी क्या सुनाएंगे। पर सर चलिए लोरी वाला, चलो तो चलो अफवाह निकली, लेकिन आज मैम सामने मौजूद हैं और एकदम ऐसे लग रहा है जैसे आज ही आपकी शादी हुई है। हुई भी है आज, आज हुई है। एक गाना हो गया सर मैम के लिए आज, इतना सुर में गाते हैं। रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। आइए मैम प्लीज। या मूड लाइटिंग खड़ी। थैंक यू सो मच, सुपर। माय गॉड, हाउ वेल यू सिंग। इसमें तेरा, आइए। अभी गाने का माहौल बना है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इतना पॉपुलर गाना है। सर क्या फिल्म के साथ गाया आपने, ये ओरिजिनल फील था ना, मजा आया। वेरी गुड, शाबाश, आई लव यू बोथ। मैं दिखाता नहीं हूं पर हूं बहुत रोमांटिक। गिटार भी बोलो, गिटार या गिटार। धन्यवाद। इंडस्ट्री के राजा बाबू अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी और गजेंद्र पाजी के साथ हमारे शो में आए, जोरदार तालियां। सर इस छोटे से कलाकार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गोविंदा सर, आपकी कृपा से मेरा ढाबा और मैं इसका इकलौता मालिक। यार तूने कभी बताया नहीं तू इतना गंदा डांस करता है। और कौन से ढाबे का मालिक, 24 मक्खियां और 9 चूहों के अलावा क्या है तेरे ढाबे पे? अच्छा नॉलेज देखो मेरे ढाबे की कितनी है, 24 मक्खियां 9 चूहे। अब ये भी बता दो कौन कौन सा मैरिड है, किस किस के अफेयर चल रहे हैं। ये शो थोड़ी चलाते हैं, इधर चूहों की जनगणना करते रहते हैं। 1 2 3 4 आपको पता जनगणना वाले आते जब तो ऐसे आगे बोलते ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, इनको देख के बोलते आपका एक ही बच्चा वो भी नहीं अच्छा, कहते। तो कोई बात नहीं, वो तो जनगणना वालों की प्रॉब्लम थी, वैसे भी उन्होंने मेरे को दूर से देखा था। हाँ जब नजदीक से देखा ना तो जनगणना वाले पता क्या कहते, कहते ये तो भी छोटा है, हम बाप को पीटेंगे। कपिल शर्मा प्लीज यार मेरे को गेस्ट के साथ बातें करना प्लीज। बाबू जी आपको शो में आकर कैसा लगा? एक मिनट, बहुत अच्छा। भाभी क्या होता है, मालकिन बोल। चलो मैम आई एम सॉरी, मैं मालकिन बोल देता हूँ, तो आप भी फिर मालकिन बोलो ना। कैसे कैसे यार, हम दोनों सेम है ना। सेम कैसे? आप भी अमृतसर से, मैं भी अमृतसर से, दिनेश आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हाँ। मुझे भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपको भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपका शो मेरे ढाबे के सामने चल रहा है, मेरा ढाबा आपके शो के सामने चल रहा है। हाँ। 10-15 लाइनें बोली, एक बंदा नहीं हंसा। हंसी तो फिर ट्रंप की स्पीच में भी नहीं आती, वो क्या प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दे दे। मिंदा सर, जैसे दूल्हे राजा फिल्म में आपका ढाबा होता है और आपको जो होटल का मालिक है उसकी बेटी के साथ प्यार हो जाता है, सेम मेरा भी ऐसे इधर ढाबा है और मेरे को इस मोहल्ले के मालिक की साली के साथ प्यार हो गया है। तो प्लीज मेरी बात बनवा दीजिए, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। भूरी भूरी। खबरदार हेलो किया तो, जहाँ मेहमान आते नहीं हेलो गोविंदा सर। क्यों तुम नहीं करे, जहाँ हिरन को देखी फ्लर्ट नहीं करना शुरू कर देते? हिरन को करता हूँ, तुमको करता हूँ। छोटे मुंह वाली लड़की। हेलो गोविंदा सर, हाउ आर यू? हेलो मैम। हाय टीना, हाउ आर यू? हाय गजेंद्र, व्हाट्स अप? सर आपने मुझे बुलाया। हेलो भूरी, मैंने बुलाया तुम्हें। हाँ तो बको भूरी, लोगों के सामने अपने लव के साथ ऐसी बातें करते हैं? लाल हाँ तो भौंको। हाँ एक तो बेचारे का पजामा नहीं साफ, ऊपर से भौंको। तेरे इश्क में मैं फना ना हो जाऊं, कोई मुझे रोको, सबको हेलो हाय और मुझे सीधे भौंको। वेल सेड चंदू, तू मेरे इश्क में क्या फना होगा देख लेना, जब मेरी शादी होगी तू वेटर बना होगा। काम धंधा कोई ऐसा करो जिसमें कोई नफा हो। अपने बारे में एक अच्छी अच्छी गाली सोचो और दफा हो, चलो।
चलो सर आप ही बताइए ना, नाम तो ढंग का रखा है नहीं चंदू, मैं कैसे इससे रिश्ता जोड़ लूं? हाँ चंदू नाम बुरा है और भूरी का मतलब इंग्लिश में तो जेनिफर लोपेज़ होता है ना। मैं इस पे ज्यादा विशेष टिप्पणी कैसे करूं क्योंकि सब सितारे तो चंदू के साथ ही होते हैं। बेटा तुम जाओ इधर फिल्म सिटी के बाहर से 5 रुपए का जहर खा के मर जाओ, जाओ वो तो बेइज्जती हमारी करती, वो तो उनकी तरफ हो गए, क्या कर सकते हैं। समझाओ ना, तुम्हारा ही तो दोस्त है। वो क्या मुझे समझाएगा, उसको तो मैंने समझाया कि भाई शो करो, शो के बिना गुजारा नहीं है, तब जाके शो शुरू हुआ है। बुरी बैठ। गोविंदा सर आपका तो इतना बड़ा सर्कल है, कोई एक दो अच्छी शक्ल वाले दोस्त ही बनवा दो। मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है तो प्रेजेंटेबल नहीं है, ऐसे किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते इसको, हॉस्पिटल में किसी का पता लेना हो तो फिर ये मुंह ठीक है। तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि बंदा तू शरीफ है। सही बोला। ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देता है, अरे कैसे हुआ। ये वाला कभी नहीं एक्सप्रेशन अच्छा आता, अरे कंग्रेचुलेशंस ब्रो, ये नहीं आता, इसका यही होता ओहो हो, चलो भगवान सब ठीक करेगा। ये इसके मुंह से बड़ा सूट करते हैं। नहीं नहीं, कपिल की इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूं। थैंक यू, यू आर राइट कपू। और दो अच्छी शक्ल वाली लड़कियां भी चाहिए। सुविंदा सर मुझे अपनी बात का इतना दुख नहीं लगा जितना मुझे इसकी बात की खुशी हुई है, क्योंकि मैं तो जैसा हूँ वैसे आ जाता हूँ, इसको तो 5 बंदे वाल पुट्टी वाले लगते हैं, शर, 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 शर। फिर जाकर ये थोड़ी बहुत दिखने लायक बनती है। मैम ये ना फालतू बातें कर रहे हैं, अभी 1 महीने पहले की बात है, संजय दत्त सर आए थे। हाँ। उस एपिसोड में जो मैंने भीग के डांस किया ना, इस शो का सबसे ज्यादा टीआरपी उसी एपिसोड की आई थी। सर वो ना उसमें ना मैंने शर्ट उतारी थी पहली बार नेशनल टीवी पे, इसलिए उसकी टीआरपी हाईएस्ट आई। इन शर्ट उतारने के बाद तो पूरा ऋतिक रोशन लग रहा था, बाय गॉड। सही बात है सर, पेट तो नहीं गूंदा हुआ आटा लग रहा था। चलो भूरी अब आटा गूंद लिया तो आओ एक एक पराठा हम प्यार का बना ही लें। देखो पराठे अगर बनाने का इतना शौक है ना, जाके हलवाई को प्रपोज करो। हाँ नहीं तो, और मुझसे अगर शादी करनी तो सबसे पहले मेरे जीजू को मनाओ। जीजू को मनाओ, मोमो जैसा तुम्हारा जीजू है, उसको सॉस दिखाओ उसी टाइम मेल्ट हो जा रहा है। कौन बोला भाई? कौन बोला? भाई हमको मोमो कौन बोला? मोमो कौन बोला? ये बोला वो बोला। ये चोमो जैसा आदमी हमको मोमो बोला। हाँ दोस्त अपना जबान को ना लगाम दे दो, वरना तुम्हारे मोमो के धागे हम काट ना दे। मोमो के धागे गाना है। आया बात समझ में? कम अरे 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 यार मजा आ गया यार। गोविंदा सर यार आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैसेल बच्चा यादव सर, हम ये पूरे मोहल्ले के मालिक हैं, ये हमारी साली है भूरी और ये साला है, मतलब हमारा रिश्तेदार नहीं है, बस गाली देने का मन था। बच्चा मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, देखो इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हैं, देखो तो मेरा और भूरी का रिश्ता कबूल कर लो, नहीं तो मैंने फिर भूरी को। चंदू चंदू चंदू, भूरी के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें इन टुकले पन टुकले कर देंगे, समझ गए ना। आ जा फिर, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी। लड़ना है? आ जा फिर, लड़ लेंगे हम, लड़ लेंगे, लेकिन सोच लो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत पसंद करते हैं हम यार, एक गाना हमारा फेवरेट है यार, वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गजेंद्र। हां जी। मैं नाम वैसे सुनो तो यार आप तो एकदम यंग डायनामिक एकदम डूड टाइप के आदमी है, नाम से लगता है कि गजेंद्र बाहुबली टाइप का आदमी आएगा, कोई तीर कमान लेके तीन तीन तीर साथ में चलाएगा ऐसा हमें लगा, लेकिन आप तो काफी कूल हैं यार। थैंक यू सर थैंक यू। बच्चा ये क्या बकवास कर रहा है तुम्हारे मेहमानों से? एक और बात जरा पूछना था सर से। सर एक बात बताइए, कॉन्सर्ट बॉन्सर्ट पे आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, सिंगर हैं आप, गजेंद्र नाम है, हाँ जी, तो ऐसा अजीब नहीं लगता लड़कियां चिल्लाती होगी आई लव यू गजेंद्र? सर इसके बारे में सोचा है मैंने, सोचा था सोचा था, फिर मैंने कहा कि यार नाम से थोड़ी काम से जाना जाएगा। ये बात तो सही है कि नहीं? और
एक्चुअली मेरे पापा के नाम किससे राइम करता है, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र है, मेरा नाम गजेंद्र है, तो मैंने कभी चेंज करने की सोची नहीं। अरे नहीं नहीं सर, अच्छा बात है, अच्छा लगता है सर। विल यू मैरी मी गजेंद्र, विल यू मैरी मी भूरी। आई विल किल यू चंदन। गोविंदा सर, आपने कुली नंबर 1 में कुली का रोल किया था ना, तो आपको आइडिया होगा ये जो लवारिस लगेज होता है कहाँ छोड़ के आना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, लगेज होगा वो, मुझे अगर कंपेयर करना है तो एयरपोर्ट की ट्रॉली बैग के साथ कर सकते हो। जस्ट सेइंग। ओ पोटली जैसे मुंह वाली ऐसी बातें करती है। आपको पता है जब ये हंसती है ना हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। करवाली बेइज्जती। गोविंदा सर देख लीजिए, इसको कितने लोग कितनी बातें सुनाते हैं, फिर भी इसका हाथ मांग रहा हूं मैं। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार? जो खुद सोम से शुक्र मांग मांग के गुजारता हो, उसका मैं शुक्रगुजार हूं। शाबाश। थैंक्स कप्पू। बच्चा मान जाओ ना यार। क्या कमाते वहां कितना हो ये तो बताओ। यार मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। लड़के के बारे में तुम इतना कुछ पूछ रहे हो, ये भी तो बताओ ना लड़की क्या करती है। ये अपना नाक में उंगली डाल के सोफा साफ कर देती है। जीजू। क्या जीजू क्या कर रहे हैं, तुम कवर कर रहे हैं, सोफा कहाँ साफ करते हो तुम, सिर्फ नाक में उंगली करती हो। गोविंदा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखो यार, विरार से शुरू किया और कहाँ एकदम हीरो नंबर 1 बन गए। तुम अपने आप को देखो, कप्पू शर्मा के साथ शुरू किया अभी भी वहीं पड़े हो। क्या हाय कुछ बनाओ यार, वजूद बनाओ यार अपना, कुछ ऐसा गोविंदा जी की तरह करके दिखाओ तो हम माने। पहले तू चुप कर, थप्पड़ मारूंगा। गोविंदा जी ये किया है इसने, इसके लिए अगर आप इसका मटका फोड़ना चाहें प्लीज गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू। ये किया आपने गोविंदा जी, कुछ डांस वांस करो यार, कुछ अच्छा करके दिखाओ। ठीक है, अगर गोविंदा सर मेरे को सर 2 स्टेप अगर सिखा दें आप तो मैं कर सकता हूँ। आ जाओ आ जाओ आओ। कर मैंने पपीता मार के तेरा तरबूज फोड़ दे रहा है। उधर ना ना, हमको देखना है। दिखाओ 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 दिखाओ। ना ना भाई ऐसे नहीं, दिखाओ दिखाओ। अच्छा मेरी बात सुनो इधर। अरे क्या क्या बात, क्या सुनना है? कोई और कोई चारा है तो वो बता। ना और कोई चारा नहीं है यार, दिखाओगे तो होगा, नहीं दिखाओगे तो तुम्हें जो सूट करता है ना बेस्ट, वो गेट आउट वाला, वो हो जाओ। ठीक है फिर, अगर डांस के कारण रिश्ता टूटा है तो चंदू भरी महफिल में ये ऐलान करता है कि अब चंदू तभी वापस आएगा जब गोविंदा जी की तरह डांस करेगा। जा रहा हूं मैं। एक सेकंड, इसका मतलब चंदू कभी वापस नहीं आएगा। ए तो चलो अब जरा थोड़ा मूड अच्छा कर लेते हैं। तो गजेंद्र जी और टीना, आपका जो सिंगल आ रहा है, एक बार अगर वो यहाँ पे हो जाए तो मजा ही आ जाए। ओ, क्या बात है सर, क्या बात है, मॉल मजा आ गया, मजा आ गया। एक बार गोविंदा सर, सुनीता मैम, गजेंद्र और टीना, इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और दर्शकों आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।